हमीरपुर में चिलचिलाती गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं और पिछले कुछ दिनों से तेज धूप निकलने से तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। आजकल दोपहर के समय तो पारा 40 के पार जा रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों को घरों से बाहर छाता लेकर निकलना पड़ रहा है। तो वहीं आज बीरभूमि टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने मीठे पानी की छवि लगाई, जहाँ पर दिन भर लोगों ने ठंडा पानी पीकर अपने गले को तर किया। वहीं छवि के साथ साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया। बीरभूमि टैक्सी यूनियन के सदस्य सुदर्शन पटियाल ने बताया कि हर साल ही जून माह में छवील लगाते हैं ताकि गर्मी से कुछ राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि ठंडा पानी पीने के लिए सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 4 सालों से छवील लगाते आ रहे हैं और साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में हर वर्ष की तरह जो है हमीरपुर बीरभूमि टैक्सी यूनियन जो है वो अपने सभी समस्त टैक्सी ऑपरेटरों के सहयोग से ये भंडारे का आयोजन किया जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम पड़ रहा है, इतनी तपती धूप में शीतल पेय जल जो छबील हर साल लगाई जाती है, उस तरीके से हम सब जो है इकट्ठे होकर जनता को राहत प्रदान कर रहे हैं ताकि इतनी तपती गर्मी में जो शीतल पेय जल का जो जनता उपयोग करे, जिससे लोगों को राहत प्रदान मिल सके। साथ में ही हमने 12 और 1 बजे के बीच में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो हमीरपुर के सभी जनता वासियों से हमारी विनम्र निवेदन रहेगी कि सभी लोग इस भंडारे में आकर अपना सहयोग दें और भंडारे का आयोजन जो किया जा रहा है उसमें सभी लोग अपने अच्छे ढंग से यहाँ आए और अपना खाना खाएं।